दोस्तों हम लोग आ चुके हैं सेकंड पार्ट में। जैसा हमने बताया था कि फिश फूड डाइट, ये जो वीडियो है ये थोड़ा लंबा हो जा रहा था, इसके लिए हमने इसको दो पार्ट में किया। तो फर्स्ट पार्ट आप लोग देख चुके हैं, आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स, बहुत सारे व्हाट्सएप और कॉल आए हैं मेरे पास। तो ये पार्ट टू को देखिए, जो जो मुझे फ़ोन करके बताया कि दादा मेरे पास ये फिश है तो इसका डिटेल्स नहीं है, तो आपको इस पार्ट में उसका सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तो हैव अ लुक दोस्तों। अब बात करते हैं मालावी सिगलेट्स के ऊपर, अफ्रीकन मालावी सिगलेट्स, जो जिसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, बिकॉज ऑफ इसका इतना वैरायटी, इतना कलरेशन आता है, इसका बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। लेकिन मालावी का जो होता है, हिकारी का सिगलेट एक्सेल बोल के खाना है, वो आप दे सकते हैं। या हम लोग के पास एक खाना है जो हम लोग बैंकॉक के फॉर्म से आते हैं, जो सिगलेट्स का कलर, ग्रोथ, हेल्थ सब अच्छा लगता है। ये जो है ये स्पेशल सिगलेट्स के ऊपर बना हुआ एक फूड है जो अभी हमारे पास अवेलेबल है, तो इसको आप लोग मंगवा सकते हैं। तो ये मालावी का बहुत ही अच्छा खाना है, जिससे मालावी का हेल्थ, ग्रोथ और शेप सब बहुत बढ़िया रहता है। अब चलते हैं टैंगानिका के ऊपर। टैंगानिकन सिगलेट का बेस्ट खाना है सिंकिंग सिगलेट एक्सेल, राइट? सिंकिंग सिगलेट एक्सेल। ये सिंकिंग क्यों, तो मैं बता देता हूँ आपको, अच्छा तरीके से सुन लीजिए। देखिए अफ्रीकन का दो लेग है, मालावी एक टैंगानिका, ये तो आपको पता है, लेकिन दोनों का खाना अलग क्यों है। ये जो टैंगानिकन सिगलेट है ना, ये जो फ्लोट होता है ना, जो फूड जो ऊपर पानी का ऊपर तैरता है जो फूड, राइट, जो अंदर जाता नहीं है, जो डूबता नहीं है, उसको अगर टैंगानिका सिगलेट अपने मुंह में लेके खाना खाए ना, तो उसका जो स्विमिंग ब्लडर है ना, स्विम ब्लडर, वो स्विम ब्लडर में हवा भर जाता है, उससे उसका बहुत प्रॉब्लम होता है, पेट फूल जाता है, पेट का बहुत सारा बीमारी होता है। जो खाना फ्लोट करता है ऊपर, जो डूबता नहीं है, जैसा सिगलेट्स का बहुत सारा खाना है ना, जो पैलेट्स वगैरह ऊपर तैरता है और उसको जा जाके खाता है, तो वैसा अगर टैंगानिकन सिगलेट खाता है तो उसका स्विम ब्लडर में हवा भर जाता है, तो उससे बहुत प्रॉब्लम होता है। इसके लिए सिंकिंग सिगलेट एक्सेल, जो खाना सिंक कर जाता है, वो अगर वो खाएगा तो उससे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। या फिर टैंगानिकन सिगलेट का एक बहुत ही अच्छा और सस्ता खाना है, वो है क्यूकम्बर, हम लोग बंगाली में शौशा कहते हैं, तो क्यूकम्बर भी आप इसको दे सकते हैं। और दोस्तों अगर डिस्कस की बात करें, तो डिस्कस को आप डिस्कस बायोगोल्ड या फिर जो ब्लडोम्स होता है वो आप दे सकते हैं, इससे आपका डिस्कस का ग्रोथ और हेल्थ अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, कभी कभी डिस्कस खाना बंद कर देता है, कभी कभी उसको ठंडा लगता है, तो उस टाइम पे क्या खाना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो इसके ऊपर मेरा वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख लीजिए। और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। अगर फेदर की बात करें, फेदर फिश जिसको हम लोग ब्लैक घोस्ट भी कहते हैं, राइट, उसको आप ट्यूबीफिक्स होता है, ट्यूबीफिक्स जिसको हम लोग लोकल वर्म्स कहते हैं ना, वो लोकल वर्म्स ट्यूबीफिक्स, वो भी आप दे सकते हैं। या फिर टेट्राविट्स का जो पैलेट्स आता है वो भी खाता है, उससे भी उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। अब अगर गोल्ड वैरायटी का बात करते हैं, तो गोल्ड वैरायटी में टेट्रा का गोल्ड फिश, गोल्ड ग्रोथ बोल के खाना आता है, वो आप दे सकते हैं। या फिर ऑप्टिमम का भी खाना आता है गोल्ड का, वो आप अपने गोल्ड को दे सकते हैं। और दोस्तों अगर हम लोग जियोफिगस की बात करें, तो जियोफिगस को आप ब्लडोम्स दे सकते हो, जैसा हमने डिस्कस का बताया था ब्लडोम्स, तो आप जियोफिगस को भी ब्लडोम्स दे सकते हो। या फिर ट्यूबीफिक्स, ट्यूबीफिक्स क्या है, मैंने पहले भी बताया, जो लोकल वर्म्स मिलता है वो आप दे सकते हो। लेकिन लोकल वर्म्स देने से पहले उसको रोज कम से कम 3 से 4 बार उसको अच्छा तरीके से वॉश कीजिए, धोइए, फिर दीजिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, राइट। तो ट्यूबीफिक्स या लोकल वर्म्स अगर वो आप देते हैं तो आप उसको ध्यान में रख के दीजिए। अब आते हैं थोड़ा रेडटेल कैट, सोविल नोज कैट, एलिगेटर गार, ये सब की तरफ। देखिए ये मॉन्स्टर वैरायटी है, और मैंने बार बार एक बात बोला है, अगर आपके पास मॉन्स्टर फिश है तो मॉन्स्टर मतलब उसको लाइव खाना, स्ट्रीम वर्म्स ये सब खाना ज़्यादा पसंद है, इससे उसका हेल्थ, उसका ग्रोथ, उसका फिगर सब कुछ ठीक रहता है। तो आप ये कोशिश कीजिए वो देने का। लेकिन किसी किसी का घर में वही है वेज और नॉन वेज का कहानी, कि फिश तो ला दिया लेकिन मेरे घर में दादा वेज चलता है, तो ये फिश उस ला के रखना प्रॉब्लम है। तो आप इस टाइम पे क्या कर सकते हैं, सिगलेट्स का एक पैलेट आता है, सिगलेट कर्निवो पैलेट बोल के खाना आता है, तो थोड़ा महंगा होता है, आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं अपने इस एलिगेटर गार, रेडटेल कैट, सोविल नोज कैट, इसको वो थोड़ा महंगा आता है, और अगर उसको आप अफोर्ड नहीं कर पाते तो प्लीज़ आप लाइव खिलाइए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोगों को, तो प्लीज़
कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए उस दोस्तों को जिस दोस्तों के पास शायद वो फिश है जो आपके पास नहीं है, ये वीडियो में जिसका बात किया जा रहा है, राइट? तो शायद उन लोगों को कुछ हेल्प हो जाए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स करके ज़रूर आपका प्यार जताइए। और एक बात है, अगर आपको कोई भी तकलीफ है तो बेझिझक मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कॉल व्हाट्सएप जो भी कर सकते हैं। थोड़ा टाइम शायद लग सकता है लेकिन मैं डेफिनेटली आप लोगों को गेट बैक करूँगा। सबाई को भालो थक बैन, थैंक यू।